और अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर उपस्थित करना चाह रहा हूँ जो रतनलाल जी साहब के जिसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों कह सकते हैं और जिनके बहुत अंतरंग संबंध है। कोई भी कार्य यदि ये दोनों व्यक्ति करते हैं तो आप समझिए शरीर दो हैं लेकिन इनके मन एक हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो संघ का जो कार्यक्रम हमारे सामने है उसको भी आयोजित करने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाह रहा हूं और चाहेंगे कि यदि सबको यात्रा बहुत ठाट से करनी है खूब आनंद से करनी है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें अभिनंदन करें भाई श्री एनसी जैन। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया पधारें और इस संघ के बारे में रतनलाल जी साहब के बारे में आपको यहाँ पर संक्षिप्त में जानकारी देंगे श्री एनसी जैन। सर्वत्र सर्वज्ञाता अनंत उपकारी परमात्मा आदिनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारों गुरुदेवों के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित पूज्य श्री निलंजना श्री जी महाराज साहब एवं आदि थाना के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सृष्टि वर्य मेरे भाइयों और बहनों सभी को मेरा सादर जय जी नमन। आज यह विशाल जनसमूह और लोगों के चेहरों पे जो उमंग और उत्साह देख रहा हूं वो आदरणीय श्री रतनलाल परिवार ने जो तीर्थ यात्रा का लाभ लिया है। हर व्यक्ति के चेहरे पे मैंने उमंग देखी है उत्साह देखा है अपनत्व देखा है। ऐसा लग रहा है कि हर आदमी आगे होके कह रहा है कि साहब मुझे बताइए मुझे बताइए। ऐसा अंतर मन को सुखद कर देने वाला दृश्य कम ही प्रस्तुत होते हैं लाइफ में। कुछ समय पहले श्री रतनलाल जी साहब ने निर्णय लिया गुरु भगवंतों की प्रेरणा से कि हमें तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाना है। पिछले साल निकालने का प्रोग्राम था पर उनके परम मित्र रायचंद जी और बाबूलाल जी लोनिया परिवार ने जो शत्रुंजय पे लाभ लिया था चतुर्मास और उपध्यान कराने का उस वजह से उनको स्थगित करना पड़ा और इस वर्ष के लिए उन्होंने कहा कि निहाल जी इस बार तो अपने को ये निकालना ही है। मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूं कि रतनलाल जी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और ये कार्यक्रम बनाया और अब हम यहां से आगे के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। रतनलाल जी साहब बौरा का परिवार मूल निवासी ये पाली के हैं और करीबन 350 साल पहले सिंध देश जो अभी पाकिस्तान में है हैदराबाद के पास वहां चला गया था। वहां कुछ लोग जो है जैसलमेर से आए थे कुछ पाली से और कुछ राधनपुर से। हाला समाज के परिवार 400 वर्ष तक हाला में रहे। वह प्रदेश एक अनार्य प्रदेश था। किसी समय में जैन धर्म की वहां जाहो जलाली थी। करीब 500 मंदिर थे। 1200 वर्ष तक मुगलों का शासन रहने से मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और 19वीं शताब्दी तक सिर्फ 7-8 मंदिर रह गए थे। उनमें से हाला समाज का भी एक था। उस अनार्य देश में हाला समाज ने एक 4 दीवारी परकोटे के अंदर 40 परिवार रहते थे। उसी में मंदिर था उसी में धर्मशाला थी उसी में धार्मिक स्कूल था उसी में कुआ बावड़ी सभी उनकी दिनचर्या जो है उसी परकोटे में रहती थी। सिंधी और मुसलमानों से उनका पानी का भी व्यवहार नहीं था।
बड़ा जब हम आज मैं 66 वर्ष का हो गया हूँ और अपने पूर्वजों की जो है पिछली जिंदगी का मूल्यांकन करता हूँ तो महसूस होता है कि कितने वो धर्मनिष्ठ रहे होंगे, जहाँ की 98% जो है पॉपुलेशन मांसाहारी थी। सनातन धर्म के जितने करीबन 23% लोग वहां रहते थे वो भी धीरे धीरे मांसाहारी हो गए थे। हमारे पूर्वजों ने अपनी धर्म की मर्यादा को किस तरह निभाया, देश का विभाजन हुआ और हमें यहां आना पड़ा। रतन लाल जी साहब का परिवार पिछली 8 पीढ़ियों तक का तो एक अनुमान और उनका विश्लेषण हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनके परदादा जी सेठ श्री भगवान दास जी कराची में रहते थे और कराची शहर के नगर सेठ की उपाधि से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नवाजा था। उससे पूर्व उनके पिताजी नवलमल जी और फिर हाकमचंद जी, अनेकों अनेक इन्होंने धार्मिक कार्य किए, मंदिरों में दान दिए, स्कूल खुलवाए और एक सामाजिकता में भी उन्होंने कराची में अपना एक नाम कमाया था। मंदिर के निर्माण में अटूट उन्होंने राशि जो है प्रदान की थी। आज मैं यह देख रहा हूं कि इस परिवार, ये चारों भाइयों, पांचों भाइयों को जिनमें इतनी सरलता, सहजता, आत्मीयता आज के समय में बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये जो संस्कार है, ये संस्कार वंशानुगत है। मैं वहां से जो है, जो मैंने थोड़ी जैन समाज के आला समाज की थीसिस की है, अभी इतिहास मैंने लिखा है, तो मुझे बहुत से इतिहास के पन्नों को पलट के देखने का जो मौका मिला तो पता चला हमारे इनको ही परिवार वालों को भी पता नहीं था कि ये परिवार कितना महान था और आज भी महान है। और मैं समझता हूँ जो वर्तमान में जो इन लोगों के परिवारों में जो संस्कार चल रहे हैं, दानवृत्ति चल रही है, आत्मीयता और सहयोग की भावना के साथ में ये सबके साथ में अपना व्यवहार निभाते हैं, इन बच्चों पे भी इनकी छाया आएगी और आने वाली पीढ़ी भी इनकी जो है उज्जवल और उनका भविष्य अच्छा होगा। तो ये यात्रा का कार्यक्रम जो बनाया, यात्रा के प्रवास में घर जैसी सुविधा नहीं होती, इनकी संख्या करीबन 500 हो रही थी। बार बार मैंने अनुरोध किया कि तीर्थों पे आवास की व्यवस्था इतनी नहीं है कि हम इतने बड़े जल समूह को लेके जाएं और गर्मी का समय है, परंतु इनके उत्कृष्ट भावों के आगे मुझे झुकना ही पड़ा और इन्होंने पूरी उदारता से तन मन और धन से मुझे बार बार इनको रोकना पड़ता है, पर ये इनकी सरलता और इनकी हृदय की विशालता को मैं इतना नजदीक होकर भी रोक नहीं पाता। समय का अभाव है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सभी ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो इस परिवार के भाव है उस भाव के अनुरूप ही आप सबको आनंद की अनुभूति हो, हम सबकी तीर्थ यात्रा सफल हो, सुखद हो और अपने जो परमात्मा के प्रति जो लगाव है उसमें भी बढ़ोतरी होती रहे। आज हमारे बीच में मनोज जी डाकलिया, इस व्यक्तित्व के बारे में भी मैं आपको क्या बताऊं। मेरा इनसे संपर्क पिछले 6 महीनों का है। एक इंसिडेंस है कि मैं अपनी पत्नी को पालीतना जो है उद्यान तप की आराधना के लिए छोड़ने जा रहा था और हमें ट्रेन में ही आपसे जो है परिचय हुआ। इनके परदादा जी मेघराज जी डाकलिया वगैरह सभी परिवार को मैं अच्छी तरह जानता था, परंतु इनसे मेरा परिचय नहीं था। जब इनसे परिचय हुआ तो इनकी पत्नी जो है मोनिका जी ने मुझे कहा कि अंकल आप ही उद्यान कर लीजिए। मनोज जी का भी आग्रह हुआ और मारा साहब ने भी बहुत मुझे जो है वो एक अपनत्व और एक प्रेम भाव से वहां जो है बैठने के लिए आदेश दिया। तो मेरा जीवन में जो है ये उद्यान तप, जो पहला उद्यान तप हुआ है उसके
जो निमित्त बने, मैं मेरी तो उपादान था, पर निमित्त जो बने वो निमित्त का श्रेय श्रीमती मोनिका जी और मनोज जी को है। इनके साथ में जब रहा तो मैं दावे के साथ में और पूरे आत्मविश्वास के साथ में कह रहा हूं कि मेरे 65 साल का भौतिक संसार और इनके साथ में 51 दिन का उद्यान तप, मेरा भौतिक संसार बहुत पीछे रह गया। और जो मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया वो मनोज जी की वजह से आया। मनोज जी ने मेरे एक ही हम रूम में थे और मैं बहुत जल्दी पहचान गया था कि ये कोई पुण्यशाली आत्मा है। जब ये मेरे पांव दबाते हैं, जब मेरे को मालिश करते हैं, जब बाम लगाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, कुछ दिन में ही मुझे पता चल गया कि ये तो पुण्यशाली आत्मा, मैं कर क्या रहा हूं। मुझे मजबूर होकर इनको कहना पड़ा कि आप मुझसे 6 फीट दूर रहिए, आप आने वाले समय के बहुत एक भावी आत्मा है और मुझे जो है जीवन भर जो है ना ये महसूस रहेगा कि मैं ऐसी पुण्यशाली आत्मा से मैंने जो है सेवा कर रही। ये संस्कार जो है मनोज जी के परिवार के, इनके परदादा जी मेघराज जी, इनकी परदादी जी मेघर, उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत मेरे निकट के संबंध थे और वही संस्कार वंशानुगत आज इस परिवार में है। और आज इनके बच्चे भी, मनोज जी भी दीक्षा ले रहे हैं, उनकी श्रीमती मोनिका जी भी दीक्षा ले रही है, इनके दोनों बच्चे भव्य और दोनों बच्चे इनके जो है दीक्षा ले रहे हैं, खुशी भव्य और खुशी। संसार में हम आए हैं और संसार अगर जैन धर्म को अगर हम समझें तो ये जो हमको मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म जो मिला है ये भौतिकता के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं। जैन धर्म के अनुसार तो हमें अपने भव कम करने के लिए ये मिला है और जब तक हम अपने अंतिम लक्ष्य सिद्ध शिला तक नहीं चले जाएं हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी। मैं बहुत नसीब वाला हूं, बहुत पुण्यशाली हूं कि मेरे साथ में मनोज जी का जो निकटता रही उससे मुझे इतना ज्ञान मिला कि मैं उसी वक्त इनका जो है चेला बन गया था। और जब मुझे ये पता चला कि आप दीक्षा लेने जा रहे हैं तो मैंने यही कहा प्रभु मेरी उम्र अब दीक्षा लेने की नहीं है, वरना मैं भी इनके साथ जो है इनका चेला बन के इस संसार को छोड़ के और संयम जीवन को अंगीकार कर लेता। मित्रों समय का अभाव है, बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बारा साहब का भी प्रवचन होना है और दो चार और भी वक्ताओं को बोलना है। मैं अंतरकरण से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनका चारों मुमुक्षुओं का संयम जीवन सफल हो, सुखद हो, ये अपनी आत्मा के कल्याण के साथ साथ सर्व जगत के कल्याण करने में भी सफल रहे और अपनी आत्मा को सिद्ध शिला की ओर ले जाने के रास्ते पे जो है आगे बढ़ते रहे। और साथ ही मैं श्री अरविंद जी का भी जो है आभार प्रकट करना चाहूंगा कि अनुकूलता नहीं होते हुए भी उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर पधारे और कल तक जो है मनोज जी का भी प्रोग्राम बिल्कुल जो है लगभग कैंसिल सा हो गया था, परंतु रतनलाल जी के और हमारे भावों को ध्यान में रखते अनुकूलता नहीं होते हुए भी आप पधारे हैं। आपको भी कोटि कोटि नमन करते हैं और अनुमोदना करते हैं कि आपका ये जिस तरह आज आप संसार में हैं कल संयमी बन जाएंगे, ये स्नेह जो है आगे बढ़ता रहे, ये वीर प्रभु से प्रार्थना है। साथ ही सभी सभी यात्रियों को सुखद और शांतिपूर्ण यात्रा सफल रहे इसी कामना के साथ जय जय। जब जब नदियों को देखते हैं तो उसकी लहरें याद आती हैं। जब जब नदियों को देखते हैं तो उसकी लहरें याद आती हैं। जब तक जब जब चारों को देखते हैं तो उसकी सफरें याद आती हैं। और जब जब मैं एनसी जैन को देखता हूं तो उनको समाज के द्वारा दी गई उनकी सेवाएं याद आती हैं। पुण्यशालियों
अब तक करीबन अनेक तीर्थ यात्रा में हम साथ में रहे हैं और उनकी दूरदृष्टि और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वास्तविकता में खूब खूब अनुमोदनीय है। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, शायद आपको भी अच्छी लगी होगी, लगी नहीं लगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे को जरूर अच्छी लगी। उन्होंने अभी अभी मुझे बताया, आप सबको बताया कि ट्रेन के अंदर में भाई मनोज जी ने, मोनिका बहन ने इन्हें आग्रह किया कि आपको भी ध्यान करना चाहिए। आप विचार कीजिए, कल्पना कीजिए कि ग्रस्त आश्रम के अंदर में कोई व्यक्ति यदि कहता है कि आप उद्धान कर लीजिए और उनके कहने से श्री एनसी जैन साहब उद्धान कर लेते हैं, तो हमारे ये मनोज भाई जब सफेद वस्त्र पहनकर पाठ पर बैठेंगे और जब उपदेश देंगे कि एनसी जैन साहब आप यहाँ पर आ जाइए, बराबर ना। अभी उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा उदय नहीं है, योग नहीं है, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के मार्ग पर जब चलते हैं, परमात्मा के कपड़े, परमात्मा के बताए मार्ग पर जब चलते हैं, उस पाठ पर बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक अलग ही व्यवस्था होती है। और हम तो यही कामना करते हैं कि उनकी ये कर्म अंतराय दूर हटे। और जैसा अभी आप देख रहे हैं खटखट का एक ये विशाल अभ्युदय है कि वर्तमान में जो दीक्षाएं हो रही है सह परिवार हो रही है। हाँ, आप देखिए हमारे मणिप्रभ सागर जी महाराज साहब के समय से जो सह परिवार दीक्षाएं चालू हुई, लास्ट में बोथरा परिवार बाड़मेर वालों की जो दीक्षाएं पालीताना के अंदर में हुई वो भी सह परिवार हुई, और पाली उसमें एक और इतिहास जोड़ने जा रहा है जब सह परिवार भाग्यशालियों। देखिए उत्तर भारत के अंदर में दीक्षार्थी का बहुमान होता है, ये एक बड़ी बात है, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर में दीक्षार्थी का अभिमान अभिनंदन जो समारोह हुआ शायद बेंगलोर के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हमारे को मैंने जब मनोज भाई को बोला, मनोज भाई बेंगलोर आपको आना है, आपका अभिनंदन करना है, तो बोले अरविंद भाई बेंगलोर में कितने खटखट के 150 घर हैं, मैं पाली से आऊंगा, इतना दूर आऊंगा, कैसे वरगोड़ा निकलेगा। उतने समय में मैं कई और दूसरे कार्यक्रम संयोजित कर लूंगा, क्योंकि यह इतना ये मेरे ख्याल से अभी अभी मैं पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक एक दिन के अंदर में 7-7 वरगोड़े भी इनके निकले, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां भाई नहीं गए, लेकिन बेंगलोर का वरगोड़ा और बेंगलोर का कार्यक्रम एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। प्रतिष्ठा के समय में 5,000 व्यक्तियों का स्वामी वत्सल्य था, और वैसा का वैसा स्वामी वत्सल्य, वैसा का वैसा वरगोड़ा भी अभिनंदन समारोह जब मनोज भाई का किया, 5,000 आदमी उस वरगोड़े के अंदर में थे। और आप देखिए कि हॉल के अंदर में खचाखच एक व्यक्ति के बैठने की जगह नहीं थी, इतना सुंदर भव्य वो कार्यक्रम हुआ। और अहमदाबाद के इस वल्लभ भाई पटेल जो हमारे आधुनिक भारत के निर्माता हैं, आज उसी के इस प्रांगण के अंदर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हम समझते हैं यह भी हमारे जीव शासन के वल्लभ भाई पटेल बने, और हमारे कर्तव्य संघ और समुदाय का ये जो शिर्ज है ऊपर उठाए, और इसी प्रकार जीव शासन की पताका फहराए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में एक बार पुनः पुनः मैं मनोज भाई का और साथ साथ में आदरणीय श्रीमान रतनलाल जी साहब का, देखिए रतनलाल जी साहब का परिचय भी मेरा काफी पुराना है, हम दो संघों में साथ में रहे, कश्मीर जब आप घूमने गए तब भी हमें उसके साथ में रहा, और उस समय से नहीं कहूंगा, ये इनके बचपन के प्राप्त संस्कार और गुरुवर्यों और गुरुदेवों के संस्कार रहे कि ऐसी भावना इनके दिल में उत्पन्न हुई कि मैं भी कोई यात्रा करवाऊं, मैं भी इतने साधारण भाइयों को परमात्मा के चरण स्पर्श कर, साथ साथ में कल्याणक भूमियों की स्पष्टता हो, इन्हीं भावनाओं को लेकर के उन्होंने यह संघ आयोजित किया है। और सोने में सुहागा स्वरूप आज मनोज भाई यहाँ पधारे, भाग्यशाली हम प्रतिदिन देखते हैं, प्रातःकाल उठते ही पेपर जब देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसके अंदर में मुख्य रूप से जो खबरें छपती हैं, आज के टाइम में आपने देखा होगा चाहे दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, चाहे अहमदाबाद हो, सबसे बड़ी खबरें बनती है कि आज वहां पर रेप हुआ, आज वहां पर बलात्कार हुआ, आज वहां पर भ्रष्टाचार हुआ, आज वहां पर वो हुआ। ऐसे घोर कलिकाल के युग के अंदर में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, और एक वो छोटा बच्चा आज मनोज भाई के साथ आया नहीं है, लेकिन जब माइक के ऊपर खड़ा होकर के और जब गौरव के साथ अपना सिर उठा करके शासन की जब वो गुणगान करता है, तो ऐसा लगता है कि इस युग के अंदर में भी गौतम स्वामी हैं, इस युग के अंदर में भी कुमारपाल महाराजा हैं, इस युग के अंदर में भी संप्रति महाराजा हैं। एक दिन के चारित्र ने, मात्र एक दिन के चारित्र ने उस भिखारी को संप्रति महाराजा बना दिया। तो भाग्यशाली शासन के अंदर में कितनी महत्ता रही होगी, कितनी महत्वपूर्णता रही होगी, और विशेष रूप से हमारे मनोज भाई और उसके परिवार मोनिका, आपको बताना चाहूंगा शायद आपको मालूम नहीं होगा, मनोज भाई और मोनिका बहन पिछले 13 सालों से, इनकी शादी को हो गए 14 साल हो गए, और इन्होंने मन में निश्चय किया कि जब मेरा बच्चा 8 साल का हो जाएगा उस समय मैं इस संसार को छोड़कर के चरित्र मार्ग अपना लूंगा। आप सोचिए कि 13 साल तक ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी पिछले 8 सालों से इनके ब्रह्मचर्य के नियम है, कितने ग्रस्त आश्रम में है, दीक्षा नहीं ली है,
लेकिन पिछले 8 सालों से देखो हुए और 8 साल से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे हैं। और आप देखिए इन्होंने उपजन किया कैसा, आपके और हमारे जैसा उपजन नहीं, कैसा उपजन आपको मालूम है? इन्होंने उपजन कैसे किया किसी को मालूम है? इन्होंने उपजन किया पूर्ण शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार, छठ का तप करके और पारणा किससे? आयमिल से। किससे पारणा किया? छठ मानी दो उपवास कंटिन्यू करके उपजन का पारणा आयमिल से किया। कोई है ऐसा भाग्यशाली यहाँ बैठा हुआ? और कितनी और वो भी शत्रुंज गिरिराज में, जहाँ गर्मी के समय में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि आदमी वहां जाकर के तलेटी पर बैठ करके भी नींबू की सिकुंजी पड़ने वालों कैसे कैसे पेय पदार्थ पीता है, उस समय के अंदर में आयमिल के द्वारा इन्होंने पारणा किया। शत्रुंज गिरिराज की यात्रा कैसे की मालूम आपको? एक उपवास, दो उपवास, तीन उपवास, चार उपवास, पांच उपवास, छह उपवास, सात उपवास, आठ उपवास, आठ आठ उपवास करके इन्होंने शत्रुंज गिरिराज की यात्रा की। ऐसे ये भाग्यशाली है, ऐसी ये पुण्यशाली आत्मा है। और इनके छोटे बच्चे जन्म लेने के 4 महीने के बाद में कभी रात्रि को इन्होंने दूध नहीं पिलाया। 4 महीने के बच्चे को भी 4 महीने के बाद में कभी रात्रि को इन्होंने दूध नहीं पिलाया, उसको पानी नहीं पिलाया। और 2 साल के बच्चे को तो उन्होंने समय को प्रतिक्रमण करना चालू करवा दिया। आज वो जब संस्कार होते हैं तब जिन शासन के अंदर में ऐसे ऐसी आत्माएं पैदा होती है जो जिन शासन को आगे बढ़ाती है, जिन शासन का जय जयकार करवाती है। कहां हमारा जीवन और कहां इनका जीवन। मैं तो खूब खूब अनुबंध करता हूँ, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, यदि वास्तविकता के अंदर में यदि इनके जीवन के आज अभिनंदन समारोह आयोजित हुए हैं तो कुछ न कुछ हम भी अपने जीवन के अंदर में त्याग करें, कुछ न कुछ ऐसी स्मृति साथ में लेकर के जाएं कि हमें भी अपने जीवन के अंदर में याद आए कि हम कभी मनोज भाई के आदि तरह अभिनंदन के लिए गए थे, ऐसी उस आत्मा के लिए। और कैसे परिवारजन, आप देखिए मैं तो गौतम जी को भी कहता हूँ, गौतम जी भी कहते हैं इतने देखिए अनुभव स्मारक के हमारे संस्थापक सदस्यों में से हैं गौतम जी। और ऐसे ऐसे भी भाग्यशाली हैं, जब पिछली बार भी उनसे मीटिंग हुई और जब हिसाब बता रहे थे बोले अरविंद भाई इसका भी पैसा नहीं आया तो मैंने जमा करवा दिया। कोई ऐसे भाग्यशाली यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा कोषाध्यक्ष पैदा हुआ कि किसी ने चढ़ावा बोला और चढ़ावा यदि जमा नहीं करवाया तो बोले मेरी अपनी जेब से पैसा लेकर के उसका अकाउंट डिल कर दिया, ऐसा वो परिवार है। तो भाग्यशाली हमारे जिन शासन के ऐसे रत्न होते हैं तब जिन शासन की जय जयकार होती है, तब जिन शासन के अंदर में ऐसी महान आत्माएं मिलती हैं। तो आज हमारा अहो भाग्य है कि आज कंटिन्यूस लगातार हमको ऐसे परिवार मिल रहे हैं और खटगज का यह संघ समुदाय आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस पावन प्रसंग पर हम अभिनंदन करना चाहेंगे मनोज भाई का भी और साथ साथ में रतनलाल जी साहब का भी, जिन्होंने इतनी सुंदर यात्राएं, मैं तो कहता भी हूँ बार बार रतनलाल जी साहब को, इस बार आप केवल हाँ देखिए, कभी कभी क्या होता है पिक्चर देखते ना तो ट्रेलर बताते हैं, कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो रिहर्सल करने पड़ते हैं। तो रतनलाल जी हस्तिनापुर साथ साथ में नाकुरा जी जैसे छोटे संघ आज लेकर रिहर्सल कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर में समय शिखर और शत्रुंजय गिरिराज की 1000 व्यक्तियों की ट्रेन स्पेशल ट्रेन लेकर के जाके सबको यात्रा करवाएंगे। ऐसी भावना में इसी मन से परमात्मा से मैं चाहता हूँ उनको ऐसा आशीर्वाद मिले। और अब हम इस कार्यक्रम को अपने अंतिम शिखर पर पहुंचाना चाहें, इसके पूर्व में श्री जनिक वकील पाड़ली से यहाँ पधारे हैं, उनका भी खूब खूब स्वागत करता हूँ। और भी अनेक पदाधिकारी अनेक संस्थाओं से पधारे हैं, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं सबका यहाँ पर स्वागत करते हुए भाव से खूब खूब उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यदि किसी व्यक्ति ने मुझे बोलने के लिए नाम दिए तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, समय बहुत हो चुका है, जैसी समय की मर्यादा है उनको समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उनका बहुत बहुत आभार कि वो यहाँ पर पधारे और अपने भावों को व्यक्त करना चाह उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और अब मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले श्री मनोज भाई जो हमारा चारित्र लेकर के 1 मई के बाद में आज हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उसके बाद में वो आप सबको ऐसे जिनवाणी का पान कराएंगे, प्रतिदिन आपका अभिनंदन करेंगे जिनवाणी के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा हम उनका स्वागत करें और स्वागत की श्रृंखला में सबसे पहले श्री जैन श्वेतांबर खरतगज संघ अहमदाबाद से हमारे पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं, वो पहले इनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद में श्रीमान रतनलाल जी साहब हला परिवार जो यहाँ है वो उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री जैन श्वेतांबर खरतगज संघ अहमदाबाद यहाँ पधारे और मनोज भाई का स्वागत करें और उसके बाद में रतनलाल जी साहब हला परिवार का भी वो स्वागत करेंगे। देखिए एक और मेरा निवेदन है परम पूज्य गुरुवर्षी ने कहा है कि स्वागत भले आप दीक्षार्थी का करें लेकिन जब तक परम पूज्य गुरुवर्षी का आप स्वागत नहीं करें तब तक कोई भी नहीं जाएंगे। मात्र 10 मिनट का यह कार्यक्रम और है, 10 मिनट तक आप स्थिरता रखें। हम सबको परम पूज्य गुरुवर्षी को सुनना है, आशीर्वाद लेना है क्योंकि हम सब तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और गुरुवर्षी का आपने आशीर्वाद ले लिया तो हमारी निष्कंटक यात्रा संपूर्ण होगी, समाप्त होगी। तो आप सबसे निवेदन है इतनी देर तक आपने हमें समय का दान दिया है, 10 मिनट के लिए और स्थिरता रखें, 10 मिनट के अंदर अंदर यह कार्यक्रम हम समाप्त कर देंगे और अभी स्वागत करने जा रहे हैं दीक्षार्थी बंधु का। हाँ इंदर जी, खुरुड़ा राज महल ना त्यागी ऐ तो छोड़ चलिया बैरागी। कि आज मनोज भाई इस असार संसार को छोड़कर
वैराग पथ पर चल पड़े हैं, इसलिए कहते हैं उरूड़ा राज महल ना त्यागी है तो छोड़ चलिया वैरागी, उरूड़ा राज महल ना त्यागी है तो छोड़ चलिया वैरागी। जय दीक्षारती, 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 जय दीक्षारती। हाला परिवार का यहाँ पर बहुमान किया जा रहा है श्री जैन सीतांबर खतक संघ अहमदाबाद के द्वारा। जय दीक्षारती, जय दीक्षारती, जय दीक्षारती, जय दीक्षारती। निवेदन करूंगा श्रीमान रतनलाल जी साहब हाला परिवार से, वो भी दीक्षार्थी भाई मनोज भाई का यहाँ पर अभिनंदन करेंगे। मैं रतनलाल जी साहब हाला परिवार से भी निवेदन करूंगा, कृपया दीक्षार्थी मुमुक्षु भाई का अभिनंदन करें। आज मनोज भाई अपने करोड़ों का व्यापार, बंगला, गाड़ी सब कुछ त्याग कर संयम पथ पर आरूढ़ होने जा रहे हैं, इसलिए मन के अंतकरण से कहेंगे उरूड़ा राज महल ना त्यागी है तो छोड़ चलिया वैरागी, उरूड़ा राज महल ना त्यागी है तो छोड़ चलिया वैरागी, है तो छोड़ चलिया वैरागी, है तो छोड़ चलिया वैरागी, उरूड़ा राज महल ना त्यागी है तो छोड़ चलिया तो छोड़ चला मेरा भी। जय दीक्षार्थी, 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 जय दीक्षार्थी। अमर रहे दीक्षार्थी, अमर रहे दीक्षार्थी, अमर रहे दीक्षार्थी, अमर रहे। जय दीक्षार्थी, जय दीक्षार्थी, जय दीक्षार्थी, जय दीक्षार्थी। अभी श्रीमान रतनलाल जी साहब हाला परिवार के द्वारा दीक्षार्थी मुमुक्षु मनोज भाई का यहाँ पर अभिनंदन किया और उनके द्वारा जो अभिनंदन पत्र उनको दिया जा रहा है मैं आपके सामने अभी यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। श्री दादा गुरुदेवाय नमे, श्री आदिनाथाय नमे, गणनायक श्री सुखसागर सद्गुरुभ्यो नमे, श्री मज्जिन श्री कांति सागर सद्गुरुभ्यो नमे, पुण्यशाली मरुधरा पाली के धरती के रत्न डाकलिया कुलदीपक मुमुक्षु श्री मनोज कुमार जी, अखंड सौभाग्यवती श्रीमती मोनिका देवी, सुपुत्री खुशी एवं सुपुत्र भव्य डाकलिया को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र, दीक्षा प्रदाता एवं जीवन समर्पण परम पूज्य मुनि श्री कुशल मुनि जी महाराज साहब, हे वीतराग पथगामी श्रावक साविका रत्न, आधुनिक परिवेश में भौतिकता की चकाचौंध चारों तरफ बिखरी हुई है, मोबाइल टीवी और इंटरनेट के इस युग में जैनत्व के संस्कारों को जीवित रखना भी जहां दुष्कर हो गया है
ऐसे विषम काल में समस्त भौतिक संपदा सुख सुविधा एवं सांसारिक भोगों का भर युवानी में त्याग कर आप जैसे आदर्श युगल ने अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। हे आत्म कल्याण कामी शासन रत्न सुकोमल मनभाव भाई बहन की सुंदर जोड़ी लघु वय में ही माता पिता के दिए संस्कारों को उज्जवल करती हुई उन्हीं की अनुगामी बनकर शासन रत्न बनने जा रही है। आपके सुकोमल मुखमंडल पर दैदीप्यमान वैराग्य का ओज और संयम का तेज आपके भीषण संकल्प की गौरव गाथा गा रहा है। संयम ही जीवन है। परमात्मा महावीर के वाणी को हार्थ को समझकर आप चारों ही जिस पथ पर अपूर्ण निष्ठा के साथ गतिमान हो रहे हैं निश्चय ही वे आत्म कल्याण का श्रेयस्कर मार्ग है। पूज्य मुनि श्री कुशल मुनि जी मरसाब से पंच महाव्रतों की दीक्षा प्राप्त कर मोक्ष प्राप्ति पर्यंत आपका संकल्प एवं पुरुषार्थ अकंप रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाएं मंगल मनीषाओं के साथ भवदीय श्री रतन लाल विनोद कुमार गौतम कुमार पारसमल सुरेश कुमार हितेश कुमार भौरा हलावाला परिवार बाड़मेर अहमदाबाद। समर्पण दिन वैशाखवदी छठ 20 अप्रैल 2014 रविवार सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी शाहीबाग। मैं निवेदन करूंगा भरा परिवार से कृपया पधारें और मनोज भाई को साथ समर्पित करें। मैं महिलाओं से भी निवेदन करूंगा कृपया यहां पधार जाएं। मनोज भाई आज भरा परिवार बहुत बहुत ही गदगद हो रहा है कि मनोज भाई का हम यहां अभिनंदन कर रहे हैं। आज तो हम इनको अभिनंदन कर रहे हैं मीठी की तालियां सब संयम पर जब ये चढ़ेंगे तो हम उनको हाथ जोड़कर वंदन करेंगे। और भरा परिवार चार लाइनें कहेगा क्योंकि मनोज भाई अकेले नहीं, मनोज भाई उनकी धर्म पत्नी एवं दो छोटे बच्चे खुशी जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष है और भव्य जिसकी आयु मात्र 8 वर्ष है वो भी साथ में दीक्षा ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं ऐसा परिवार कहां, ऐसा परिवार कहां, ऐसा परिवार कहां, ऐसा परिवार कहां, संयम पथ पर चले छोड़ के सारा जहां, ऐसा परिवार हवाले सब छोड़ के रिश्ते नाते ये निकल पड़े दीवाने, ये जिंदगी अपनी कर दी प्रभु हवाले सब छोड़ के रिश्ते नाते ये निकल पड़े मतवाले। धन्य है दीक्षार्थी, धन्य है मात पिता, धन्य है दीक्षार्थी, धन्य है मात पिता, ऐसा परिवार कहां, ऐसा परिवार कहां, ऐसा परिवार कहां, पर चले छोड़ के सारा जहां, ऐसा पर
यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान शंकरलाल जी साहब भैया कृपया जल्दी से पधारे। हाँ देखिए समय नहीं है लेकिन फिर भी आपके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुझे आदेश दिया गया है कृपया संक्षिप्त के अंदर में जल्दी से अपना उद्बोधन समाप्त करें और उसके बाद में हम गुरुवर्षी को सुनेंगे। सबसे निवेदन है तो बंद कर दे भैया गेट को, भैया इस दरवाजे को बंद कर दे, यहाँ से कोई नहीं जाए, यहाँ से कोई भी मेहरबानी करके सबसे सबको पचकार दिला दो। कम से कम आज दीक्षा के निमित्त में जिनवाणी का पान किए बगैर कोई भी भाग्यशाली नहीं जाए, ये सब आप पचकार ले लें, कोई भी यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुरुराज जी के चरणों में वंदन, सभी बैठे हुए भाई बहनों को प्रणाम, सभी एक साथ जोर से बोलेंगे दीक्षार्थी दीक्षार्थी मर रहे दीक्षार्थी। जैसा अरविंद भाई ने बताया कि जितनी अनुमोदन की जाए उतनी कम है। दोस्तों आज जो यहां से जो संघ कल सुबह निकल रहा है, देखो एक बहुत बड़ी संस्कार एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में कोई भी चीज है उसको संभव करती है। उनका जो पूर्वजों से दादा परदादाओं से जो संस्कार चलता आ रहा है, जैसा कि व्यापारीलाल जी बाड़मेर में पधारे, आज बाड़मेर में उन्होंने जो धर्म जलाली की है उसी की अनुबंधा का आज अपनों को एक रूप दिख रहा है। इन्होंने जो माँ बाप की सेवा की है उनसे आगे इनके संस्कार और उनके भाइयों का प्रेम जो दिख रहा है एक अनूठा उदाहरण है। मैं आज शुभकामना देना चाहूंगा कि ये पूरा संघ धर्म की भावनाओं के साथ में सफल रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शंकरलाल जी साहब जिया। अब आपको एक सबसे प्रमुख बात मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी कुछ समय पहले मनोज भाई के घर पे गया क्योंकि हमारे ब्यावर के हैं और बहुत अच्छा परिचय है, पाली में इनके निवास स्थल पर गया, शाम का समय था क्योंकि पास में ही उपासना है, महाराज साहब के दर्शन करने गया। उस समय रात को रुकने के लिए मुझे मनोज भाई के घर पे बताया गया। आप देखिए रात को 9:30 बजे गया तो घर की सारी लाइटें बंद, ए भैया बात नहीं करो कोई, रात को 9:30 बजे घर की सारी लाइटें बंद, अंदर से दरवाजा बंद, 10 मिनट तक मैं घंटी बजाता रहा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में मनोज भाई बाहर आए, बोले अरविंद भाई इतनी रात को, मैंने कहा 9:30 बजे अभी इतनी रात कैसे हुई, बोले हमने तो शाम को 5 बजे खाना खाया, चौव्यार करते हैं वैसे भी व्यास ना करते हैं, खुले मुंह तो खाते नहीं है, शाम को 7 बजे प्रतिक्रमण किया, 8 बजे प्रतिक्रमण आया, सुबह में 4 बजे उठना होता है, और रात को बिना काम के क्यों लाइट जलाए, कितने जीवों की हिंसा होती है, हम जरना क्यों ना करें, जब जरूरत नहीं है तो लाइट का उपयोग क्यों करें। तो आप सोचिए कि जिसने जीवन में जीवों के प्रति इतनी करुणा हो वो किस प्रकार अपने चरित्र का पालन करेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनकी खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब उनके भावों को हम बढ़ाएं कि जिनके जीवन में जीवों के प्रति कितनी करुणा, लाइट के जीव भी, अग्निकाय के जीव भी, इस जीवन के अंदर में ग्रस्त जीवन में देखिए दीक्षा लेने के बाद में जैना बहुत से गुरु भगवान करते हैं लेकिन ग्रस्त जीवन के अंदर में भी जीवों के प्रति इतनी करुणा पैदा होना, यह भी कितने पुण्य का पुंज जब एकत्रित हुआ होगा तब जाकर कैसे भाव प्रकट होते हैं। और अकेले नहीं, छोटे छोटे बच्चे, जब उन बच्चों को देखता हूँ तो अपना सर पीट लेता हूँ। मुझे याद है कि 6 महीने पहले बेंगलोर के अंदर में दीक्षा हुई हमारे इस योजना श्री महाराज साहब की शिक्षा के रूप में, देवरत्न सागर जी महाराज साहब ने दीक्षा उसको दिलाई, कम से कम 5,000 व्यक्ति ग्राउंड के अंदर में बैठे थे। दीक्षा लेने के समय में जैसे ही उगा उस दीक्षार्थी बहन को समर्पित करने लगे, उस समय देवरत्न सागर जी महाराज साहब खड़े होते हैं और मंच पर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे। हम बड़े घबरा गए क्योंकि उस समय भी माइक संचालन मैंने करा था, मैंने पीछे नीचे जाकर के और उनके शिष्य से पूछा महाराज साहब को क्या हो गया, इतने जोर से क्यों रो रहे हैं, और रोते रोते वो क्या बोलते हैं, मैं कितना कितना, आज देखिए देवरत्न सागर जी के आप प्रवचन सुनिए, कितना कितना उनका चरित्र, इतना आपको मैं उसके चरित्र की वर्णन नहीं कर सकता, इतना शुद्ध चरित्र वो पालते हैं। रोते रोते कहते हैं कि मैं कितना भाग्य का फकीर, ये बालिका 18 साल की उम्र में दीक्षा ले रही है, मैं 22 साल की उम्र में दीक्षा ली, कितना फकीर हूँ, इससे भी 4 साल बाद में मैंने दीक्षा ली। जब ऐसे भाव पैदा होते हैं तब जिन शासन में बैठ करके इस पाठ के ऊपर जिनवाणी का पान करवाते हैं तो वो पानी सीधी अंतरतन करती है। अब 4 साल लेट लेने के लिए वो अपने भाग्य को कोसते हैं, हमारी उम्र किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, किसी की 80 साल, इतना कहने के बाद में भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, समय का दान नहीं दे सकते, और वो रोते हैं
कि चार साल मैंने चारित्र लेट लिया, चार साल मैंने चारित्र की विराधना की। भाग्यशालियों कितना कितना सुंदर कितना औभाग्य होगा कि 14 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में जो बच्चे दीक्षा लेंगे आने वाले समय के अंदर में वो मणिधारी दादा गुरुदेव की तरह, जिंदस्वरी गुरुदेव की तरह, कुशल गुरुदेव की तरह हमारे जैन शासन को आगे बढ़ाएंगे। मैं मालूम कितने अजैनियों को जैन बना करके इस जैन संस्कार से जोड़ेंगे, परमात्मा महावीर के पद पर बढ़ाएंगे। ऐसी उस आत्मा को मैं नमन करता हूँ। क्योंकि मुझे तो बोलने का समय नहीं मिला, जब बोलता हूँ तो कैलेंडर की तारीखें भी बदल जाया करती हैं। आज तो मैंने मात्र घंटे आधा घंटे बोला है। हम तीर्थ यात्रा के अंदर में साथ हैं। जो जो तीर्थ यात्री उनको मैं बताऊंगा कि कैसे तीर्थ यात्रा की जाती है। अभी महाराज साहब ने बताया कि तीर्थ कौन से, जो तारे से तीर्थ। मैं कहता हूँ तारे से तीर्थ नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। तारे से तीर्थ मंदिर के परमात्मा के यहाँ दर्शन करने को जाओगे वो भी तारते हैं, तीर्थ में जाने की कहाँ जाओ। आज एक मंदिर में कोई बोले तीर्थ पर जाते हैं तो तीर्थ से तरते हैं आदमी, गलत। कभी ये विचार मत करना। आज ये दिशाई बाग के अंदर में जैन मंदिर में जाते हैं तो वहां हम तिरने तिरेंगे नहीं। कोई बता सकता है मुझे, अगर शाही बाग के मंदिर में जाए आपके घर मंदिर में भी आराधना करें तो वहां हम तिर नहीं सकते, वहां हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, कदापि नहीं। ये हमारे दिमाग में ये भ्रति गलत फैली हुई है कि तारे से तीर्थ। तीर्थ उसे कहते हैं जहां हमारे जीवन का कुछ न कुछ त्याग हो। आप घर पर बैठ कर किसी चीज का त्याग नहीं कर सकते हैं। आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे, कमरे में सुविधा नहीं मिली, आप तकलीफ पा करके भी परमात्मा की आराधना करेंगे त्याग। आप वहां जाएंगे, घर में बैठेंगे, चार टाइम खाएंगे, छह टाइम खाएंगे, रात्रि भोजन भी खाएंगे, अवक्ष भी खाएंगे, लेकिन तीर्थ स्थानों में जाएंगे, एकाष्ठ कर करके यात्रा करेंगे, वहां पर भी त्याग। जो त्याग वो तीर्थ, जो हमारे से त्याग करवाए वो हमारे तीर्थ। आप तीर्थों में जाएंगे तब ऐसी व्यवस्था मिलेगी। अभी हमारे को निहाल जी ने बताया कि तीर्थों में कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो समस्याओं को हमारे त्याग के मार्ग से अपना करके और उस तीर्थ यात्रा को हमारे जीवन के अंदर में उतार करके परमात्मा की उन ऊर्जाओं को हमारे शरीर में उतारना, तभी हमारी तीर्थ यात्रा सफल होगी। हम प्रतिदिन तीर्थ यात्रा में साथ हैं। आपको एक एक तीर्थ का इतिहास बताऊंगा कि हम कैसे तीर्थ में जा रहे हैं। हस्तिनापुर तीर्थ भारत के प्राचीनतम नगरियों में से एक तीर्थ और उसकी कैसी महिमा है आपको हस्तिनापुर के अंदर मैं बताऊंगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा विशेष तौर पर तीर्थ यात्रा पैसे का उपयोग रतनलाल जी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन का समय का उपयोग दें, एक एक तीर्थ का इतिहास जानें कि हम किस तीर्थ में जा रहे हैं, कैसे परमात्मा वहां पर हुए और उस तीर्थ यात्रा करने से हमारी आत्मा का किस प्रकार कल्याण होगा। यदि ये समझ करके तीर्थ यात्रा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आनंद आएगा और हम सबको भी आनंद आएगा। मेरा सबसे निवेदन है, एक साथ पूजा करें, एक साथ चैत्य वंदन करें, एक साथ परमात्मा की भक्ति करें। सारी जिंदगी हमने खूब खाया, खूब कमाया और खूब आनंद मौज उड़ाया, लेकिन कम से कम तीर्थ यात्रा के अंदर इस प्रकार यात्रा करें। इसके बारे में और आपको विस्तार से परम पूज्य गुरुश्री बताएंगे, लेकिन इसके पूर्व हाँ एक चीज और बताना चाह रहा था मैं कि गौतम जी, मनोज भाई गौतम जी को मैंने पूछा कि आपके जीवन के अंदर में ये वैराग्य के बीज कैसे आए, आपके वैराग्य के भाव कैसे हुए। तो मुझे उस समय याद आता है जब इन्हीं के घर के पास में परम पूज्य गुरुश्री हेमप्रवासी जी महाराज साहब उस उपाश्रम में रहती थी। और आज ये परिवार यदि सबसे ज्यादा पावन प्रेरणा जिन्होंने पाई और जो बीज उन्होंने बोए, आज जो वृक्ष वृक्ष बनकर के समाज को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो महान आत्मसाधिका गुरुश्री हेमप्रवासी जी महाराज साहब को जाता है। और उसी के द्वारा प्रेरित हमारे श्री संकेश्वर दादावाड़ी संस्थान के श्री भूपत जी काठेड़, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा अंतिम वक्ता के तौर पर श्री भूपत जी काठेड़, और उसके बाद में परम पूज्य गुरुश्री से हम सुनना चाहेंगे। मैं भूपत जी से निवेदन, बाड़मेर समाज का भी मेरे पास में यहाँ पर स्लिप है, मैं 2 मिनट में उनसे भी यहाँ पर कार्यक्रम में समय लूंगा और उसके बाद में परम पूज्य गुरुश्री। परम पूज्य गुरुवर्य डॉक्टर विद्युत प्रभा श्री जी की सुशिष्य परम पूज्य नीलांजना श्री जी महाराज साहब, उपस्थित साध्वी वृंद, आदरणीय गौतम चंद जी डाकलिया के सुपुत्र मुमुक्षु भाई मनोज, रतनलाल जी, व्यापारी लाल जी बोरा हल्ला वाला परिवार, जो हमारे इस समारोह के एवं कल से शुरुआत होने वाले संघ के संघपति हैं, उपस्थित अहमदाबाद संघ के सभी पदाधिकारीगण, आज के समारोह के विशेष अतिथि एवं बाहर से पधारे हुए आदरणीय सभी मेहमान, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, जिन भक्ति एवं दादा गुरु भक्ति का अनूठा परिचय देने के लिए हल्ला वाला परिवार ने जो ये आयोजन किया है, मैं आपकी इस भक्तिमय यात्रा धर्ममय बने, भक्तिमय बने, संगीतमय बने, ऐसी शुभकामनाएं
श्री जिन कुशल सुरी दादावाड़ी संस्थान की तरफ से है। आज का मैन हमारे सामने सोने में सुहागा ये जो प्रसंग बना है मुमुक्षु भाई मनोज कुमार का, दो बातें आपके सामने रखनी बहुत जरूरी है। मैंने 125 साल का जैन इतिहास पढ़ा, माता पिता की उपस्थिति एवं अनुमति में, माता पिता की उपस्थिति एवं अनुमति से अगर कोई पूरा परिवार दीक्षा ले रहा है तो ये भाई मनोज कुमार डाकरिया परिवार का है। मैंने पिछला 125 साल के इतिहास में ये देखा पढ़ा, कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि माता पिता की उपस्थिति एवं अनुमति में किसी परिवार ने, पूरे परिवार ने दीक्षा ली हो। बहुत कुछ कहना है भाई अरविंद जी, जानते हैं समय की बहुत कमी है, मैं और ज्यादा बोलूंगा वो कहेंगे लेट कर रहे हैं, पर एक दो बात और बता दूं कि आप जैन धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं 1 तारीख को। इस विश्व में जैसे हमारे बंजारा साहब ने भी बताया बहुत धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म का एक छोटा सा भाग जैन धर्म है। हम प्रतिदिन गुरुवर्या श्री गुरु भगवंतों से सुनते हैं सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्व धर्मानम प्रदानम सर्व धर्मानम जैनम जैति शासनम। सभी धर्मों में जैन धर्म प्रधान है, ऐसा सैकड़ों अनंतों वर्षों से चल रहा है, पर 7 अपज की पब्लिक में से किसी ने एक अंगुली नहीं उठाई कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। सबसे बड़ी जैन धर्म में एक विशेषता है, हर धर्म में भगवान होते हैं, हिंदू धर्म में राम हो गए, कृष्ण हो गए, इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर हो गए, और धर्मों में गुरु नानक ये सब कुछ बन गए। सिर्फ जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हम सभी को भगवान बनाने का है। तीर्थंकर अनंता लोगों को लेकर मोक्ष में जाते हैं, ये सिर्फ जैन धर्म ही बताता है। जैन धर्म कोई अवतार वाला धर्म नहीं है, आप खुद अगर उस मार्ग पे चलो तो आप खुद भगवान बन सकते हो। बहुत कुछ कहना है, समय की मर्यादा है। मैं भाई श्री मनोज कुमार डाकरिया परिवार जो 1 तारीख से संयम पद की ओर अग्रसर होने जा रहा है, उनके लिए एक पंक्ति बोलूंगा। जा उज्जवल पंथे दीक्षार्थी, तारो पंथ सदा उज्जवल रहे। सभी मेरे साथ बोले, जा उज्जवल पंथे दीक्षार्थी, तारो पंथ सदा उज्जवल बने। धन्यवाद भाई। अभी एक सेकंड, अभी भूपत जी ने एक बात बताई माता और पिता के बारे में, मनोज भाई, और आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सब प्रतिदिन सुनते हैं पढ़ते हैं कि दुनिया के अंदर में भगवान से भी बढ़कर माता पिता हैं। दुनिया के अंदर में सबसे बढ़कर भगवान से भी बढ़कर माता पिता हैं। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि भगवान हमारे तकदीर में सुख और दुख दोनों लिखते हैं। भगवान हमारे तकदीर में सुख और दोनों दुख दोनों लिखते हैं, लेकिन माता पिता हमारे तकदीर में केवल सुख और सुख और सुख ही सुख लिखते हैं। इसीलिए माता पिता माने, और वो माता पिता इन्हें मिले हैं, और जिन्हें भी मिले मैं उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ ऐसे माता पिता को। और समय की मर्यादा को देखते हुए जल्दी से लेट संयम पंथे दीक्षार्थी, तारो पंथ सदा उज्जवल, जान संयम पंथे दीक्षार्थी, तारो देखिए
इस गीत को हम वास्तविकता के अंदर में लेकर के आएंगे। पाली में 30 अप्रैल के दिन मैं सबसे निवेदन करूंगा दीक्षार्थी का अंतिम अभिनंदन समारोह 30 अप्रैल को पाली में होगा। उस समय जो रात देखेंगे आप ऐसे लगेंगे सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर उतर के आए हैं। इतना भव्य अभिनंदन समारोह और कैसे दीक्षार्थी बंधु इस परमात्मा के पद को स्वीकार करता है। मैं डाकलिया परिवार की तरफ से और विशेष तौर पर मनोज भाई की तरफ से आपको आमंत्रित करता हूं कि एक ऐसे विशिष्ट इतिहास के सृजन के अंदर में आप सबके भी हस्ताक्षर हो। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा पूरे परिवार इष्ट मित्रों के साथ में आपको जरूर जरूर पधारना है। तारीख याद करें 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आप सबको पधारना है, लेकिन 30 अप्रैल का वो दिन एक यादगार दिन रहेगा, स्मरणीय दिन रहेगा, आप सबको पधारना। पर मैं निवेदन करूंगा भाई मनोज कुमार जी से कृपया पधारें, अपने भाव व्यक्त करें और अपना उद्बोधन के द्वारा हम सबको उद्बोधित करें। एक दो मैं सबसे निवेदन करूंगा ये गेट बंद कर दें, ये वहां से बार बार परेशानी होती है, जिसको जाना है चले जाएं। मेरी प्रार्थना है आपसे कि देखिए जो व्यक्ति इस लड़के को देखिए एक बार, कितनी उम्र है, आप सबसे तो शायद छोटा है मेरे ख्याल से, बराबर ना, आप सबसे छोटा है। अरे आप कल्पना कीजिए जिसके घर में आज करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, सुख समृद्धि जिसके पैर चूमती है, जिसका पूरा भरा पूरा परिवार है, इतनी सुंदर पत्नी, इतने भोले वाले बच्चे, उन सबको लेकर के इस संसार को ठुकरा करके जो परमात्मा महावीर के पद महावीर के पद पर अग्रसर हो रहा है, क्या हमारे में इतनी भी लायकता नहीं है कि 15 मिनट का समय हम दान में दे सके, इस बच्चे को सुनकर के जाएं, परम पूज्य गुरुवर्षी का आशीर्वाद लेकर के जाएं। आप सबको कसम है कोई भी भाग्यशाली गेटों से बाहर नहीं जाएगा। 15 कार्यक्रम है, आप 15 मिनट के लिए और रुके, पर वैसे भी ये पहला अहमदाबाद का कार्यक्रम है कि मेरे कार्यक्रम के अंदर में कोई व्यक्ति गेट से बाहर चला जाता है, नहीं तो मेरे संचालन वालों को मालूम है कि मैं कार्यक्रम चालू करता हूँ और समाप्त होने के बाद में कोई व्यक्ति बाहर जाता है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं, ये दीक्षा का कार्यक्रम था, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी फिर आपसे विनती है, प्रार्थना है, मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक परम पूज्य गुरुवर्षी का प्रवचन नहीं हो आप कोई नहीं जाएंगे। यदि खाना लेट खा रहे हैं तो आप दो खाने में मिठाई ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन बीच में नहीं जाएं। अभी हम सुनेंगे भाई मनोज। चरम तीर्थपति परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। मम जीवन उपकारी परम पूज्य गुरुदेव श्री जयानंद मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। अत्र विराजित डॉक्टर नीलांजना श्री जी एवं अन्य साधी जी भगवंत के चरणों में मेरी वंदना। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे सपरिवार आना था और जो आप सबकी भावना थी, किंतु उन सब बच्चों की तबीयत सही नहीं होने की वजह से मैं उन्हें साथ नहीं ला पाया। मुझे जो जीवन में सबसे प्लस पॉइंट मिला वो माता पिता। बचपन से ही मुझे जो एक धार्मिक माहौल और संस्कार मिलते हैं, तो उसके कारण जीवन में जो उन्होंने संस्कार का बीजारोपण किया, आज उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का जो संस्कार है वो आज आप लोगों के सामने आ रहे हैं। घर के पास में उपाश्रय होने का जो सर्वश्रेष्ठ लाभ हमारे परिवार को मिला, शायद ही अन्य कहीं ऐसा देखने को मिले। घर एक बस एक मकान छोड़ के जो उपाश्रय था, तो वहां पे अनुभव श्री जी महाराज साहब और हेमप्रभासी जी महाराज साहब के अन्य साध्वी जी भगवंतों का सतत 35 साल से कभी वो उपाश्रय एक दिन के लिए भी बंद नहीं देखा, एक दिन के लिए भी नहीं। हमेशा वहां पे साध्वी जी भगवंत का 12 महीने 365 दिन वहां पे स्थिर वास, और उनका जो स्वाध्याय में संयम में जो हमारे को सहयोग मिला वो जीवन की एक अद्भुत कामयाबी कहूंगा इसे, कि जो हमारे को वो आज अगर वो नहीं मिलता मैं मार्गदर्शन उन लोगों का, तो शायद ये जीवन में ये भी संभव नहीं था। रही बात बच्चों की, तो बच्चों का अपना पुण्यदान हमने कभी उनसे न अभी दीक्षा अभी बहुत समझाया कि तुम दीक्षा बाद में ले लेना, चाचा चाची है तुम्हारे, दादा दादी है, उनके साथ रहो, चाचा चाची तुम्हें हमारे से ज्यादा प्यार करते हैं, वो अमेरिका रहते हैं, साल दो साल अमेरिका भी रह लो तुम। किंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब हमारे को ये चरित्र लेना है तो हम पाप करें ही क्यों, क्यों हम अनार्य देश में जाएं, क्यों हम वहां की ना जो जाके हम अपना पाप हमारे पुण्य को कम करें। बिल्कुल मतलब उनको बहुत हर तरह से समझाया उन बच्चों को, उन बच्चों का उन भव्य के लिए तो
जयानंद जी महाराज साहब ने उसके जन्म से पहले कह दिया था, उसके जन्म के लगभग 20 दिन पहले जयानंद जी महाराज साहब काल कर गए थे और लगभग एक माह पूर्व मुझे कहा था कि इस बार तेरे पुत्र रत्न होगा और जब ये 8 साल का होगा तब तेरे जीवन में सोने का सूरज उगेगा। आज मुझे वो स्पष्ट नजर आ रहा है। अभी जब परम पूज्य उपाध्याय प्रवर की निष्ठा में पालितनाथ जी जब ध्यान कर रहा था उस समय वो बात मेरे मतलब 8 साल पुरानी बात थी, वो दिमाग से विस्मृत हो गया था। किंतु एक दिन उपध्यान के दौरान ही एक दिन ऊपर की यात्रा की थी तो दादा के सामने बैठा था, उस दिन उपवास था, उपध्यान तब मैं उपवास था। मैंने महाराज साहब को कहा, मैंने कहा महाराज साहब मैं थोड़ा रुक के फिर बाद में आऊंगा। तो वहां दादा के सामने लगभग 4-5 घंटे, क्योंकि कोई भीड़ भी नहीं, अन्य तपाकच वाले चढ़ते नहीं है तो अपने खड़तरगच में भी बहुत कम यात्रा पे आए हुए थे, तो दादा के सामने ध्यान में बैठे बैठे अचानक अंदर से इस पूर्ण अंदर से एक भाव जागृत हुआ कि पुरुषार्थ कर, आगे बढ़, तेरा कार्य सफल होगा। और उसके बाद में जैसे जैसे पुरुषार्थ किया और मुझे सफलता मिली। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि 1 मई को हमारी वैशाख सुदी दूज को पाली नगर में जो दीक्षा होने जा रही है, आप सभी हमारे हमें हम चारों मुमुक्षुओं को आशीर्वाद देने जरूर जरूर पधारे ताकि हमारा ये जो संयम का मार्ग है वो निष्कलंक बने, निष्कटंक बने। प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। दीक्षार्थी 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 अभी हमारे बीच में अंतिम सम्मान के तौर पर शाही कुटीर सोसाइटी जो जहां श्रीमान सेठ श्री रतनलाल जी साहब बोहरा रहते हैं उन सोसाइटी वालों की भावना है कि ये भाग्यशाली इतनी बड़ी यात्रा करवा रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमको भी इसका कुछ ना कुछ लाभ मिले। आज बड़े भाव के साथ में वो आए, चूंकि समय हो गया लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया, मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, आमंत्रण दे रहा हूँ। श्री शाही कुटीर सोसाइटी को जो यहाँ पर बहुमान करना चाह रहे हैं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पता। और अभी मैं यहाँ पर बाड़मेर सेवा समाज जो भाई मनोज जी का यहाँ पर बहुमान करने के लिए पधारे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया पधारें और भाई मनोज जी का बहुमान करें। श्री बाड़मेर सेवा समाज जो मुझे अभिनंदन पत्र देकर के गए हैं, अगर यहाँ भेंट देना चाहें कोई भी तो पधार सकते हैं, उनके पदाधिकारी कोई उपस्थित हो तो उनसे भी मेरा निवेदन है कृपया पधारें। बाड़मेर जैन समाज पधारी, अभिनंदन पत्र भेंट कर रहे हैं मनोज जी को। और इसी के साथ मैं निवेदन करने जा रहा हूं, इसके बाद तैयार रहे जिंदत सुरी दादावाड़ी ट्रस्ट धोलका, वो सेठ श्री रतनलाल जी साहब का बहुमान करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें भी निवेदन करूंगा कृपया तैयार रहे, इसके बाद में वो यहां पर बहुमान करना चाहेंगे। जल्दी से बाड़मेर समाज के ट्रस्ट मंडल बोर्ड के सदस्य यहाँ है, कृपया मन को बता रहे जल्दी से, थोड़ा देखिए समय हो रहा है थोड़ा जल्दी से। और जिंदर सुरी दादावाड़ी ट्रस्ट धोलका, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया, और सम्मान पत्र जो आप लेकर के आए हैं वो रतनलाल जी सबको भेंट जल्दी। और इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा दिल्ली से जो यहां पधारे हैं, मुझे अभी अभी स्लिप किसी ने दी है, दिल्ली से पधारे हैं और वो यहां पर एक सुंदर गीत लेकर के उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया जल्दी से आइए जल्दी से। कौन है भाई जल्दी से, संक्षिप्त में केवल 2 कड़ियां आपको लेनी है, समय नहीं है हमारे पास में। अपने अंतर मन से स्वागत करते अपने अंतर मन से स्वागत करते श्री